क्या कभी आपने सोचा है कि बुद्ध ने भिक्कुओं को हथियार रखने का नियम बनाया? ये बात बड़ी गहरी और छुपाई गई है कि बुद्ध ने भिक्कुओं को हथियार रखने का नियम भी बनाया था, जिसको बोलते थे सत्थक दंड। सत्थक दंड का मतलब है, सत्थक जो संस्कृत भाषा में बाद में शस्त्र बोला गया है, और दंड माने जो होता है वो लकड़ी होता है, लगभग एक हाथ की, जो जिसको भुज दंड बोलते हैं, या जो भुजा के बराबर का दंड होता है, या जिसको भुजाली बोलते हैं। ये भुजदंड और भुजाली दोनों ही भगवान बुद्ध ने बनाए हुए हैं, और उन्होंने ही इसका आदेश दिया था कि हर एक भिक्कू को एक भुजदंड और भुजाली रखनी है। एक दंपत के अंदर मैंने बताया भी है कि एक भिक्कू कैसे चीवर के लिए वो एक जगह अपना जूता छोड़ जाते हैं, चप्पल छोड़ जाते हैं, खड़ाऊ छोड़ जाते हैं, एक जगह वो अपना भुजदंड छोड़ जाते हैं, डंडा छोड़ जाते हैं, एक जगह अपना पानी का पात्र छोड़ जाते हैं, और एक जगह वो खुद जाते हैं। तो वहां से भी ये पता चलता है कि, मगर ये बात कभी किसी ने बताई नहीं कि भगवान बुद्ध ने भिक्कुओं को भुज दंड बनने का, या जो सत्थक दंड है यानी शस्त्र रखने का भी आदेश दिया हुआ था। भगवान बुद्ध ने एक स्टिक, एक दंड रखने का आदेश दिया, और उस दंड के अंदर एक छुरा भी होता था, छुरी का भी होती थी, यानी जो सत्थक है, सत्थक को छुरा और छुरी भी बोलते हैं। तो कुछ भिक्कुओं ने सोने की जो दंड है, सोने का दंड बनवा लिया, यानी कि वो सोने का दंड, जैसे ग्रस्त लोग अपनी शान में, आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में, पुराने समय में एक भुजदंड, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, वो सोने का एक दंड रखते थे अपने पास, जिसको डंडा बोलते थे, हर समय खामे खाई पकड़ के रखते थे उसको, वो शान होती थी, क्योंकि भिक्कुओं के लिए तो वो हथियार होता था जंगल में अपने आप को बचाने के लिए, या कहीं फल फ्रूट काटने के लिए, या कहीं जानवर से बचने के लिए, या कोई भेड़ी आ जाए, या कोई शैतान आ जाए तो अपने आप को बचाने के लिए वो, या कपड़ा काटने के लिए, या बहुत सारे कामों के लिए। मगर लोगों ने उसको भिक्कों से देखकर अपने पास रखना शुरू किया, और उसको कहीं सोने से मढ़वाया, कहीं कुसे, कहीं कुसे। तो ऐसा पता चला कि कुछ भिक्कों ने ग्रस्त की तरह सोने का जो भुजदंड है वो लिया हुआ है, तो भगवान ने उसको निषेध किया और कहा कि सोने का भुजदंड नहीं रख सकता। हाँ, 10 प्रकार का जो भुजदंड है, यानी कि 10 प्रकार का जो सत्थक दंड है, सत्थक माने जो शस्त्र वाला दंड है, उसको रखा जा सकता है, हथियार को रखा जा सकता है। कौन से उद्भूत 10 प्रकार? हड्डी का रख सकते हैं, यानी कि हड्डी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साधु साधवी हैं वो हड्डी रखते हैं अपने पास में, हाथ को ऐसे कर लेंगे, उसके नीचे हड्डी लगा देंगे, तो यानी कि हड्डी का दंड रख सकते हैं। कोई व्यक्ति मर गया है या कोई जानवर मर गया, उसकी हड्डी उठा के उसका दंड बना सकते हैं, हड्डी का दंड है। या दांत का है, यानी कि कोई दांत है, दांत जैसे हाथी का दांत होता है, बड़ा लंबा दांत होता है, तो हाथी के दांत का उसका दंड बना सकते हैं। या सींग का बना सकते हैं, किसी जानवर का बहुत बड़ा सींग है कोई, तो सींग का भी दंड बना सकते हैं। या कोई नलकट है, नलकट जो बोलते हैं, नलकट होता है, नल माने पानी होता है, नलकट मतलब पानी के आसपास में जो सरकंडे पैदा हो जाते हैं, खोखले होते हैं, तो उस सरकंडे का भी वो दंड बना सकता है। बांस का बना सकता है, बांस का बैत का तो आपने बहुत देखा होगा कि बांस और बैत लेके बहुत सारे लोग चलते हैं, तो बांस और बैत का बना सकता है। काष्ठ का बना सकता है, काठ का बना सकता है, यानी कि लकड़ी का बना सकता है, लकड़ी का दंड बहुत सारे चलते हैं, वो बना सकता है। लाख का बना सकता है, लाखा जो होता है एक तरल पदार्थ होता है जो निकलता है, बाद में वो सॉलिड बन जाता है। लाखा के बहुत सारी चीज देखी आपने, लाखा के कड़े वगैरह देखे हैं, तो लाख का भी बना सकता है, जो सील एक तरह से होती है, जिसको हम देखा होगा आपने, सील में लगाते हैं ब्राउन कलर का लाखा, तो उस लाख का भी बना सकता है। फल का भी बना सकता है, फल का मतलब है चाकू जैसा फलक जो होता है, यानी फलक का भी बना सकता है, अगर कोई चाकू जैसे फलक है तो उसका भी बना सकता है। और तांबे का बना सकता है, तांबा जब तक आ गया था तो तांबे का भी बना सकता है, यानी तांबे का भुजदंड ले सकता है। और सबसे आखिर में था, अगर कोई शंख है, बड़ा शंख है, और शंख का भुजदंड बनाना चाहे, रखना चाहे, तो शंख का काट कर पीस उसका भी बना सकता है, क्योंकि शंख में धार तेज होती है, शंख चाकू की तरह काम कर जाता है, अगर वो घिसके अच्छी तरह से बनाया जाए, कैल्शियम का होता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई इसके अलावा कोई अगर रखता है, और इसके अलावा कोई और तरह का अगर बनाता है, तो उसको फिर दुक्कट का दोष लगेगा। दुक्कट का मतलब है दुष्कृत, यानी कि जिसने खराब काम किया है, नियम को नहीं माना है, दुक्कट के नियम होते हैं, तो दुक्कट का दोष उसको लगेगा, ऐसा नियम बनाया। तो 10 प्रकार का जो हथियार है, 10 प्रकार का जो सत्तक दंड है, वो भगवान बुद्ध ने अलाउ किया, और भिक्कु उसको रखा करते थे। आज भी वही परंपरा चली आ रही है, कोई हाथी दांत का रखता है, कोई लकड़ी का, कोई बांस का, कोई सींग का रखता है, कोई तांबे का रखता है, अब तो लोहा भी आ गया, लोहे का रखता है, ग्रस्त वाले लोग सोने और चांदी के मड़के रखते हैं अपने पास में, हड्डी का रखता है, ये चलते हैं, और ये भिक्कुओं की अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं।
भिक्कू अगर चाहे तो भिक्कू की एक सभा करके, पूरी दुनिया में भिक्कू की सभा करके या भारत में सभा करके, वो आज का जो लेटेस्ट हथियार है उसको भी अपनी सुरक्षा के लिए रख सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने नियम तो बंद किए नहीं है। भगवान बुद्ध ने जाते जाते कहा था कि भिक्कू चाहे तो कुछ नियम बदल सकते हैं, आनंद को तो कुछ नियम बदले जा सकते हैं। आज के समय में भुजदंड की बजाय वो स्टिक रख सकते हैं या कोई और सामान रख सकते हैं, चाहे तो वो कोई ऐसा हथियार उनको लगता है कि सेफ्टी के लिए अच्छा है रख सकते हैं, क्योंकि भिक्कू अपने जीवन को बचाने का पूरा अधिकार होता है। भगवान ने सभी लोगों के जीवन को बचाने का अधिकार दिया है, भिक्कू को भी दिया है, और ये नियम उन्होंने खुद बनाया है। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भिक्कू हथियार नहीं रख सकता, मगर भिक्कू के हथियार रखने का नियम बना हुआ है। धन्यवाद। ये भिक्कू के हथियार रखने का जो नियम है ये खुंदक वत्थु खंदक में है। खुंदक वत्थु खंदक में जो पहला इसका चैप्टर है उसमें 12 नंबर पे है, जो विनय पीठक में आता है। कोई आदमी विनय पीठक में जो खुंदक वत्थु खंदक है उसके अंदर चेक कर सकता है हथियार रखने का नियम भिक्कू के लिए, भिक्कुड़ी के लिए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.